पापा को इतना मस्त बीच लगा है कि क्या बोलो, पीछे ब्लैक तो आएगा क्योंकि सनलाइट है, पर पापा पता नहीं आगे कहीं खड़े हैं समझ में। एक और बात बताऊं, मिल गए पापा। बॉयज एंड गर्ल्स, खाना हो चुका है यहाँ पर और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं चंद्रभागा लेक, क्या बीच के लिए, भूल गया, टंग स्लिप होती रहती है। तो खाना ठीक है, नॉर्मल खाना है, इतना मैं बोलूँगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे मतलब है नहीं आसपास में। आज निकलते ही आपको एक तो इतना ज़्यादा आपको प्रॉब्लमेटिक होता है, अब शायद ये कोरोना के लिए हो रखा है कि लोगों के पास काम नहीं है, तो शायद ये भी हो सकता है। अदरवाइज हर कोई बंदा आके आपको बस ये वो ऑफर कर रहा है और ये मतलब अभी तो मेरी क्या हुई, खाने के पीछे लड़ाई हुई मतलब, तो मैंने छोड़ ही दिया, फिर हम कुछ आगे आके फिर दूसरी जगह खाना खाए। बॉयज एंड गर्ल्स, इतना वेट करने के बाद वहाँ पर ऑटो ही नहीं आ रहा था भाई, ऑटो ही नहीं मिल रहा था, बस भी मतलब बहुत आधे आधे घंटे में आधे बस आ ही नहीं रही थी। फिर फाइनली हमने ऑटो लिया क्योंकि ऑटो ना फालतू में मतलब 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, मतलब क्या बोलो 1.5 से 2 किलोमीटर होगा फालतू में, उसमें 100 रुपीज़ चार्ज कर रहे हैं, जबकि बस में जो चार्ज कर रहे हैं वो 30 रुपये मतलब 30 रुपये मतलब पर पर्सन 10 रुपीज़ लगे हमारे 30 रुपीज़ बस में। बट क्या करें, अब आना पड़ा ऑटो में, इतनी देर वेट करने के बाद भी नहीं मिला था, फिर हमें लेट आया, दूसरी और दो बीच में जाना है। तो ये जो है ये है चंद्रभागा बीच। अब व्यू यार कुछ अलग ही है यार, मज़ा ही आ रहा है लगे यहाँ पर ना। बॉयज एंड गर्ल्स, पानी के नीचे ये देखो, ऐसा लग रहा है कि ज़मीन खिसकते जा रही है नीचे से ना, रेता जैसे होता है बीचेस में, अगर आप आए होगे तो आपको पता होगा ये चीज़ है। यहाँ पे अलग ही एक्सपीरियंस हो रहा है, मतलब धूप की रोशनी इधर है अलग ही है, ऐसा लगता है कि हाँ यार वैल्यू पूरी मतलब पूरी की पूरी वैल्यू मिल जाती है बीच में आके, जो मिला है ना अभी तक इतना देखने के बाद, मतलब दिल खुश कर दिया यार बीच में आके ना, सही होता है खुश। खाने का तो वहाँ तक बना जहाँ तक वो दो लौंडे गए हैं, बट यार हम नहीं जा सकते उतनी दूर तक, नहीं जा सकता बिकॉज एक तो जीन्स है नीचे ठीक है और भीग गई तो, और जूते भी, और यहाँ से जाना दूर है पूरी। सामने सनलाइट और नीचे पानी और पानी, जो एक्सपीरियंस है ना मज़ा ही आ जाता है यार इसमें, क्या बताऊँ दिल खुश हो गया अंदर से, मतलब सारा आगे फ्रस्ट्रेशन आपको दूर कर। तो स्टेप करने वाला था वो भी नहीं हुआ क्योंकि शायद टाइड उधर चले गए, तो लो टाइड हो गई, तो इस वजह से अब ढूंढना पड़ेगा आगे। एक और बात बताऊं, उस पार श्रीलंका है, मिल गए पापा, सामने ही है, पता नहीं कहाँ लगे हुए थे बात करते, पता क्या कर रहा हूँ पैर से मिट्टी हटा रहा हूँ क्योंकि जूते पहनने पूरे मिट्टी मिट्टी हो गई पूरी की पूरी, पहले टिश्यू से पोछा मैंने, उसके बाद धूल झाड़ रहा हूँ और फिर पहले मैं, पापा का भी सीन यही है तो अच्छे से पहले हो जाए, नहीं तो फिर ये मुझे पता है कल नहीं पहन पाऊँगा सॉक्स क्योंकि कल तो फिर ट्रैवल करना है, तो कल तो नहीं पाएगा, अभी पहले ये डाल लेते, अभी दूसरे बीच भी जा रहा है। वहाँ से 5:15 बजे करीब निकले थे और अभी बज रहे 6:30, तो ऑटो ले लिया था मतलब जो टेम्पो है तो इसलिए जल्दी पहुँचे, बस का वेट करते तो और ज़्यादा टाइम लग जाता, अभी पूरी पहुँचे हैं जो टेम्पल है। इस तरीके से टेम्पल दिखता है आउटर साइड से, चल चल के पूरी के टेम्पल से यहाँ तक पहुँचे हैं ठीक है बीच तक, और कर्फ्यू का सीन है तो रोड खाली हो गई है, वैसे भी ज़्यादा लोग अलाउ नहीं कर रहे हैं, थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो यहाँ से बस देखेंगे दूर से, उसके बाद खाना खाएंगे और फिर होटल चले जाएंगे। अभी बज रहे हैं 7:15, देख लेते हैं यहाँ से, उसके बाद निकलेंगे यहाँ से थोड़ी देर का ही प्रोग्राम, ऐसे ज़्यादा हाफ एन आवर उसके बाद निकलना पड़ेगा। सामने जो है बीच है,
अब लाइट नहीं है तो क्या करें, अब लाइट होती तो मज़ा आता है, अब लाइट लगानी चाहिए। आवाज़ तो आ ही रही होगी आपको, है ना, जो वेव्स हैं उसकी। तो मैं थोड़ा दूर जाता जा रहा हूँ और लाइट मेरे से पीछे होते जा रही है, इसलिए अंधेरा होता जा रहा है ना। ये आवाज़ आ रही है, देखो हल्के हल्के, मैं रुकता हूँ। ये दिख रहा है आपको, पानी अलग ही है। तो चंद्रभागा बीच और इस बीच की बात करूँ तो दोनों ही एज इट इज़ सेम लग रहे हैं अंधेरे में। अब कोई डिफरेंस बता नहीं सकता। मास्क मैं उतार देता हूँ थोड़ी देर के लिए, कोई राहत मिल जाए। और बीच के पास किसे पसंद नहीं है। तो बस ऐसे थोड़ा सा स्टे करेंगे, यहाँ पे खड़े होंगे, अपना थोड़ा सा फैमिली मोमेंट, और उसके बाद निकल रहे हैं। तो ये देखी होगी, ये पूरा जो चल रहा है, जैसे आपके मुंबई में है उस तरीके से ये पूरी लाइन जा रही है ऐसे करके। और ये देखो बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा, इधर कुछ और इधर थोड़ा बहुत। देख रहे हो ये पानी, आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है, पानी का पानी का, ये थोड़ा थोड़ा बहुत हल्का हल्का आ गया किनारे तक। ये बाजार है, बहुत मज़ा आ रहा है फैमिली के साथ। मतलब देखो फैमिली के साथ एक अलग होता है। ये पीछे बैकग्राउंड साउंड आ रहा है, पता नहीं आवाज़ सुनाई दे रही है नहीं दे रही, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी, उसको शॉर्ट आउट करना है। तो आगे जो जा रहा हूँ वहाँ पे शॉर्ट आउट करूँगा। और यहाँ पे ये जो पीछे देख रहे हैं, मेरे पीछे इस रोड से चलते हुए जा रहे हैं हम, सीधा जाएंगे अपनी होटल की तरफ। और ये पूरा बीच है ये है, और है ऐसे करता, मतलब क्या बोल रहे हैं, यहाँ से निकल के अभी मम्मी पापा इधर झालमुड़ी ले रहे हैं, मतलब मम्मी को खाने का ले रहे हैं, तो इसलिए मम्मी ले रही है झालमुड़ी। और थक गया क्योंकि पैदल चल चल के आया हूँ अंदर अंदर से बीच तक, तो निकल के आया हूँ ये। और मतलब ऐसे क्या बोलते हैं यार, नाम याद नहीं आ रहा अभी, कुछ क्या है उसका नाम भी, मतलब मरीन ड्राइव का, जैसे मरीन ड्राइव है अपना मुंबई में, वैसे ये ऐसे बीच की तरफ ऐसे ये रोड आ रहा है पीछे। और अलग मज़ा है इसमें, लाइट्स आ रही है तो अब थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा मेरा फेस। मास्क लगा के थोड़ा इशू है, नहीं तो मैं मास्क उतार देता। लोकल लोग उतार के चल रहे हैं, बट मैं चल रहा हूँ यार क्योंकि ऑब्वियसली बात है मैं टूरिस्ट हूँ, तो चलाएं सबसे पहले मेरा काटेंगे, घूम रहे हैं यहाँ पर बेसिकली, आगे मिलते हैं। तो ये आज चल के गोल्डन बीच में यही तो मार्केट्स लगे वहाँ तक, जैसे मैं दीघा बीच गया था तो वहाँ पर भी ऐसे थी, मतलब बीच में ऐसा होता ही है। तो यहाँ मुझे लग रहा है खाने पीने का आइटम्स नहीं, पीछे तो ये है मेरे दिख रहा है, फ्लैश बहुत आ रही है, पहले फ्रंट वाले कैमरे से सही से नहीं आ रहा है। तो ये मार्केट्स लगे हुए हैं, यहाँ पर बैठ गए, थोड़ा थक गया हूँ बहुत दूर चलते चलते हैं, जैसे थोड़ा सा हाफ एन किलोमीटर की दूर बाद आपका होटल, तो खाना भी पैक करवाएंगे, देखते हैं क्या करते हैं, खाएंगे या पैक करवाएंगे फिर जाएंगे अंदर। तो अभी सुबह निकले, अब सुबह 9:30 करीब निकले थे हम सुबह, और अभी 8:15 बज गए और 9:30 से करती है, तब भी मतलब पब्लिक बहुत ज़्यादा है, बट क्या करेंगे, बिकॉज पूरी का जो टूरिज़म है ना, मतलब पूरी जो ये है, ये पूरी बसा ही आपकी टूरिज़म से है, तो ये सारे लोग मतलब मोस्टली लोग यहाँ पर डिपेंडेंट हैं टूरिस्ट से, तो अर्निंग यही है इनका मेन। तो बॉयज़ एंड गर्ल्स शॉपिंग चल रही है, मतलब नीचे उतर के जो अभी दिखाया था आप लोगों को, वहाँ आकर नीचे बीच में जो मार्केट्स है सारे, तो वहाँ पर जो भी मतलब ज्वेलरीज के सामान होते हैं, मोस्टली ज्वेलरीज ही है यहाँ, तो वो देख रहे हैं, वो मम्मी ले रही हैं, पता ही है लेडीज़ हो होते हैं तो बस। और सामने यार आराम से अपना बीच है, तो उसी का हमेशा मतलब उसके इफेक्ट यार अलग ही है सामने बीच का ना, ये सामने बीच तेरा देखो, लोग अभी भी घूम रहे हैं। मन तो कर रहे हैं ना जाऊँ यहाँ से, मगर टाइम परमिट नहीं रहेगा और सब कुछ है, जाना पड़ता है काश। सो रुके हुए यहाँ पे खाने के लिए, डिनर रात का डिनर आज का, मतलब बंगाली रेस्टोरेंट है यहाँ पर, तो मम्मी पापा वगैरह नहीं वहीं पर खाएंगे, मैं तो नॉर्थ इंडियन देख रहा था क्योंकि नॉर्थ इंडियन खाना होता है, बट बंगाली भी चलता है, तो आए हैं बंगाली खाना खा रहे हैं। तो कर्फ्यू जो है वो 9:00 बजे से, अभी बजे 9:45 और भूख अभी लगी नहीं है,
तो इतनी जल्दी हमें खाने की आदत है नहीं, इसलिए हम ना खाना पैक करवा रहे और फिर होटल में जाके खाएंगे। ऑर्डर कर सकते थे बट यहाँ पे बंगाली रेस्टोरेंट है तो दूर है थोड़ा, तो इसलिए फिर हम पहले पैक करा लेंगे खाएगा और फिर वहाँ से अपना डिनर करेंगे आज का। फिर कल का प्लान कर।